हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे सेवन स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर वन, द लिविंग वर्ल्ड एडॉप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट, इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि लिविंग वर्ल्ड जो कि एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो उनमें एडॉप्टेशन किस तरीके से दिखाई देता है एंड उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर आपको सेवन स्टैंडर्ड के मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस के भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। इन व्हाट डिफरेंट वेज इज़ अ डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स सीन, कि हमें हमारे अराउंड सराउंडिंग में जो डाइवर्सिटी दिखती है लिविंग वर्ल्ड के कारण या फिर लिविंग थिंग्स जो दिखते हैं उनमें डिफरेंसेस किस तरीके से दिखाई देते हैं या फिर कौन सी डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स इज़ फाउंड ऑन दी अर्थ। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो कई सारे टाइप्स के प्लांट्स आपको दिखाई देंगे। अगर आपके सराउंडिंग में भी देख लोगे तो कई सारे प्लांट्स आपको दिखेंगे जिनके कुछ नाम आपको पता होंगे, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके हमें नाम भी पता नहीं होते हैं। सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनको काफ़ी अच्छे कलरफुल फ्लावर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रोज़ लेंगे तो रोज़ के भी कई सारे कलरफुल फ्लावर्स हमें दिखाई देते हैं, उसमें कई सारे कलर्स आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें हमें कलरफुल फ्लावर्स दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर वेयर एज सम आर टू बी फाउंड इन अ डेजर्ट विच हैव अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो अगर जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है तो पानी के बीच रहने वाले प्लांट्स जो होते हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं कि पानी के बीच में किस तरीके से वो ग्रो करते हैं। और अगर हम डेजर्ट को देखेंगे जहाँ पे पूरी तरीके से रेत फैली होती है, वहाँ पर भी हमें पानी की कमी के कारण जो है वहाँ के प्लांट्स कुछ अलग तरीके के दिखाई देते हैं। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोवी रीजन्स, तो कुछ अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं जो हमें स्नोवी रीजन में दिखाई देते हैं। सम प्लांट्स कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप वेयर एज सम आर ह्यूज इन साइज। तो देखिए, प्लांट्स जो होते हैं, हर एक प्लांट जो होता है वो एक ही तरीके का होता है क्या? नहीं, उनकी साइज, शेप, उनके प्लांट्स, उनके लीव्स जो होते हैं, उनके फ्लावर जो होते हैं पूरी तरीके से हमें अलग दिखाई देते हैं। कुछ प्लांट्स इतने टाइनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है तभी वो हमें दिखाई देते हैं, तो कुछ इतने ह्यूज साइज़ में भी होते हैं। लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू शो डाइवर्सिटी, तो सिर्फ प्लांट्स ही नहीं बल्कि एनिमल्स में भी हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है, अलग टाइप्स के एनिमल्स भी हमें दिखाई देते हैं। सम आर यूनिसेल्युलर, तो यूनिसेल्युलर का मीनिंग होता है सिंगल सेल वाले। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा, कि एक सेल से बनने वाले एनिमल्स भी होते हैं, एंड अदर्स मल्टीसेल्युलर, और मल्टीसेल्युलर भी होते हैं कि एक से ज़्यादा सेल से बनने वाले जो एनिमल्स होते हैं मल्टीसेल्युलर, वो भी हमें दिखाई देते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक भी अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। सम आर वर्टिब्रेट्स वेयर एज अदर आर इनवर्टिब्रेट्स, तो उनमें कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं एंड कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अ वराइटी ऑफ एनिमल्स, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एरियल। तो अगर हम यहाँ पे एनिमल्स की बात करेंगे तो एक्वेटिक, पानी में रहने वाले एनिमल्स अलग होते हैं, टेरेस्ट्रियल, ज़मीन पे रहने वाले अलग होते हैं, एम्फीबियन जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रॉग हम लेंगे तो पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी, तो ऐसे एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं। रेप्टिलाइन होते हैं जैसे कि स्नेक, एरियल मीन्स हवा में रहने वाले जो बर्ड्स होते हैं। तो कई सारे डिफरेंट वराइटी हमें यहाँ पर एनिमल्स में भी दिख जाती है। These observations give rise to the question, ये सारे observation करने के बाद, variety animals and plants में देखने के बाद हमें एक question ज़रूर आता है, how did this great diversity come into being, कि किस तरीके से ये diversity यहाँ पर start हुई है या फिर हमें दिखाई देती है। Next देखेंगे, are the plants and animals from Kashmir and Rajasthan of the same type, तो कश्मीर एंड राजस्थान में दिखने वाले एनिमल्स और प्लांट्स सेम होंगे क्या? ऑब्वियसली इसका आंसर नो होगा, क्योंकि डिफरेंट रीजन है तो वहाँ पे होने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स भी क्या होंगे? अलग होंगे। कैन यू एलेबरेट ऑन एनी डिफरेंसेस बिटवीन द टू, तो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आप बता सकते हो क्या? तो वही आगे हमें दिया है, कोनिफेरस ट्रीज लाइक अ पाइन एंड देवदार फ्लरिश इन स्नोवी रीजन लाइक अ कश्मीर। कोनिफेरस मीन्स कोन शेप वाले जो ट्रीज होते हैं जैसे कि पाइन है, देवदार होते हैं, तो ये प्लांट्स हमें, ये ट्रीज़ कहाँ पे दिखाई देते हैं? स्नोवी रीजन में दिखाई देते हैं जो कि कश्मीर में आता है। हाउएवर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान प्लांट लाइक अ कैक्टस एंड एकेकिया जैसे हम बाबुल कहते हैं आर टू बी फाउंड। तो अगर हम डेजर्ट में देखेंगे तो वहाँ पे पानी की कमी होती है, हर जगह पे हमें रेत दिखाई देती है, तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं कैक्टस
ये तो सबको पता होगा, जिसमें कांटे भी होते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो हमें दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम स्नोवी रीजन में देखेंगे तो काफ़ी बड़े ट्रीज होते हैं और कोनिकल शेप में ही होते हैं। और वो ऐसे क्यों होते हैं उसका आगे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। द कैमल अ डेजर्ट एनिमल इज़ नॉट फाउंड इन कश्मीर। तो आपने देखा होगा कैमल हमें कहाँ पर मिलते हैं, तो डेजर्ट जहाँ पे होते डेजर्ट में हमें कैमल मिलता है। तो क्या कश्मीर में हमें कैमल मिलेगा क्या? नहीं, तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं फर, जिनके बाल ज़्यादा होते हैं ऐसे एनिमल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड भी ज़्यादा होती है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिफरेंसेस? तो रीजन वाइज जो हमें डिफरेंसेस दिखते हैं एनिमल्स में प्लांट्स में, वो डिफरेंसेस हमें क्यों दिखाई देते हैं, तो उसके पीछे रीज़न होता है एडेप्टेशन। तो ये एडेप्टेशन क्या होता है? Gradual changes occur in the body parts and also in the behavior of organisms which help them to adjust to their surroundings. Such changes are called adaptation. तो देखिए स्टूडेंट, हमारे सराउंडिंग में जो क्लाइमेट होता है, जो टेम्परेचर या जब बाकी की जो सारी चीज़ें होती है वो अलग अलग होती है, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे होती है हमारे सराउंडिंग में उनके साथ हमें एडजस्ट करना होता है। तो उसके कारण हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उन्हें ही कहा जाता है एडेप्टेशन। कि स्नोवी रीजन में जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर बाल हमें ज़्यादा दिखाई देंगे, डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं वहाँ पर हमें नहीं दिखाई देते। या फिर प्लांट्स की अगर हम बात हमने अभी की थी कि कश्मीर में जो होते हैं कोनिकल शेप के ट्रीज ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चेंजेस हुए हैं उनमें, क्योंकि उनका वहाँ का सराउंडिंग ही वैसा है, क्योंकि वहाँ पे स्नो गिरती है, उसके कारण उन प्लांट्स में जो चेंजेस हुए उसे कहा जाता है एडेप्टेशन। चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो, उनमें जो चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, तो उन्हें कहा जाता है एडेप्टेशन। दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि काफ़ी लंबे समय तक उनमें हमें ये चेंजेस दिखाई देते हैं या फिर एडेप्टेशन दिखाई देता है। नेक्स्ट आपको दिया है एडेप्टेशन इन प्लांट्स, ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द चार्ट, इंक्लूड अदर प्लांट्स फ्रॉम योर ओन रीजन टू। तो यहाँ पे कुछ थ्री प्लांट्स आपको दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट प्लांट जो दिया है लोटस, उसके बारे में आपको ऑलरेडी दिया है। तो फर्स्ट आपको दिया है प्लांट का नेम, उसके बाद हैबिटेट, टाइप्स ऑफ रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम। तो फर्स्ट आपको दिया है लोटस, जो कि एक्वेटिक होता है क्योंकि वो पानी में ग्रो होता है। उसके जो रूट्स होते हैं वो होते हैं फाइबरस। उसके जो लीव्स होते हैं वो लार्ज एंड राउंड होते हैं, जिसमें वैक्सी लेयर दिखाई देता है। एंड अगर हम स्टेम की बात करेंगे तो वो हॉलो एंड फ्लेक्सिबल होती है, जिसमें एयर गैप्स होते हैं जिनके कारण वो पानी में ईजिली मूव हो सकती है। तो सेकेंड आपको एग्जांपल दिया है कैक्टस का, तो उसके बारे में आपको लिखना है। हैबिटेट क्या आएगा, कहाँ पे ग्रो होते हैं, तो ज़मीन के ऊपर होते हैं, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेजर्ट में या फिर ज़मीन में या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कह सकते हैं। टाइप ऑफ रूट्स इसके आते हैं फाइबरस रूट्स कह सकते हैं हम लोग, या फिर टैप रूट एंड एरियल रूट कहा जाएगा टाइप्स ऑफ रूट में। अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीव्स देखेंगे तो जो प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो होते हैं उनके मोस्टली लीव्स नहीं होते हैं, उनकी स्टेम होती है, और जो लीव्स होती है वो मॉडिफाई होती है, थॉर्न उनके जो कांटे होते हैं या फिर स्पाइन होते हैं उनमें कन्वर्ट होते हैं लीव्स, और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होता है पूरा उनके स्टेम में होता है। तो ये पूरा जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आगे हम देखने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम अगर हम देखेंगे तो स्पाइनी स्टेम आएगा इसका। थर्ड वन है बनियान, तो इसका आपको ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है और लिखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं पानी में रहने वाले प्लांट्स, उनका एडेप्टेशन क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वो हम देखेंगे। विजिट वेरियस वाटर बॉडीज सच एज रिवर, ब्रूक, पॉन्ड, लेक इन यूर सराउंडिंग्स, व्हाट डिफरेंसेज डू यू ऑब्जर्व बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स। तो आपको इस तरीके से विजिट करना है और देखना है कि ज़मीन में ग्रो होने वाले प्लांट्स या फिर ट्रीज होते हैं उनमें एंड पानी में जो ग्रो होते हैं उनमें प्लांट्स में आपको डिफरेंसेस क्या नज़र आते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे देखेंगे। सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज, देयर स्टेम आर सबमर्ज वाइल लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस। हाउ एवर सम प्लांट्स आर एंटायरली अफ्लोट, देयर रूट्स आर नॉट एंकर्ड इन द सॉइल। तो देखिए यहाँ पे जो पिक्चर दिया है एक्वेटिक प्लांट्स के लिए, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कुछ प्लांट्स जो है पानी के ऊपर ये इस तरीके से फ्लोट करते हुए दिखेंगे, लेकिन उनके जो आपको यहाँ पे रूट्स दिखेंगे ज़मीन के अंदर दिखेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोटस का लेते हैं तो लोटस के भी देखिए इस तरीके की स्टेम काफ़ी लंबी आपको दिखाई देंगी एंड रूट्स जो है यहाँ पे ज़मीन में दिखाई देंगे। ये जो प्लांट है ये भी इस तरीके का है कि उसके रूट्स जो है हमें ज़मीन के अंदर दिखाई देंगे, लेकिन कुछ प्लांट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो कि पानी के ऊपर फ्लोट हो रही है और उनके रूट्स आपको ज़मीन के अंदर नहीं दिखाई देंगे, पूरे के पूरी तरीके से वो क्या होते हैं पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके रूट्स जो है ज़मीन के अंदर होते हैं और वो पानी के ऊपर तैरते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके रूट्स यहाँ पे ज़मीन के अंदर हमें नहीं दिखाई देंगे, पूरी तरीके से जो है प्लांट्स इस तरीके से पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं तैरते हैं। द सर्फेसेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मेनी एक्वेटिक प्लांट्स आर कवर विद अ वैक्सी लेयर। तो जो यहाँ पे प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर या पानी के ऊपर फ्लोट करने वाले, उनके लीव्स एंड उनकी जो स्टेम होती है उनके ऊपर हमें वैक्सी लेयर एक दिखाई देता है। लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थीन एंड स्लेंडर लाइक अ रिबन। और उनके जो लीव्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं स्लेंडर होते हैं, जिस तरीके से रिबन होती है। तो इसका उन्हें फ़ायदा क्या होता है कि जब पानी का फ्लो ज़्यादा होगा तो उनके लीव्स टूटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, इसके कारण जो है उनका शेप स्लेंडर या फिर रिबन लाइक होता है। जिस तरीके से पानी का फ्लो आएगा उस तरीके से वो मूव हो जाएंगे। दिस शेप हेल्प्स देम टू विदस्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर, जैसे कि हमने अभी देखा। एयर स्पेसेस इन स्टेम एंड पेटियोल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर। तो ये पानी में फ्लोट होना इनके लिए ईजी क्यों होता है, क्योंकि इनके जो स्टेम होते हैं उनमें एयर गैप्स होते हैं, एयर भरी होती है, जिसके कारण वो काफ़ी हल्के हो जाते हैं और वो पानी के ऊपर काफ़ी ईजीली फ्लोट कर पाते हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पर याद क्या रखनी है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम एंड जो उनके लीफ होते हैं उनके ऊपर हमें वैक्सी लेयर दिखाई देता है। उनकी जो स्टेम होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं स्लेंडर एंड रिबन लाइक, थीन एंड स्लेंडर होते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद उनके अगर हम यहाँ पे स्टेम की बात करेंगे, स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि एयर स्पेसेस हमें दिखाई देता है, जिसके कारण वो इजीली क्या होते हैं फ्लोट होते हैं पानी के अंदर या फिर पानी के ऊपर की तरफ जो पार्ट आता है उनके फ्लावर का लीव्स का वो काफ़ी ईजीली फ्लोट कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पर देखी है। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है कि लोटस स्टार्क जो स्टेम रहेगी उसके बीच में आपको ये जो होल दिख रहे ये क्या है एयर गैप्स है, जिसमें एयर होगी जिसके कारण स्टेम इजीली मूव हो पाता है पानी के अंदर। और यहाँ पे आपको दिया है लोटस का पिक्चर कि जो लोटस है उसके लीफ होते हैं वो पानी के ऊपर तैर पाते हैं। यूज योर ब्रेन पावर में आपको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज वाटर टिकल ऑफ लोटस लीव्स। लोटस लीव्स के ऊपर जो अगर आप पानी डालोगे तो पानी नहीं रुकता है, वो जल्दी से निकल जाता है। तो क्यों निकलेगा, क्योंकि हमने पहले ही देखा है एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स के ऊपर उनकी स्टेम के ऊपर हमें वैक्सी लेयर दिखाई देता है, जिसके कारण पानी उसमें नहीं ठहर पाता है। व्हाई डोंट द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स रॉट इन वाटर, क्यों सड़ते नहीं, तो उसके लिए वही रीज़न आएगा। Why are their roots short and fibrous? उनके roots जो है short and fibrous क्यों होते हैं, क्योंकि वो पानी के ऊपर float करते हैं और ज़मीन के अंदर उनके roots होते हैं जो काफ़ी short होते हैं and fibrous होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे adaptation in desert plants। अभी desert plants जो होते हैं उनके characteristic हम देखेंगे। टेक टू पॉटेड प्लांट्स वन अ कैक्टस एंड द अदर अ लीफी प्लांट। तो एक में आपको एक प्लांट में क्या करना है, एक पॉट में आपको कैक्टस लेना है, दूसरे पॉट में लीफी प्लांट्स कोई भी ले सकते हो आप जिसके काफ़ी अच्छे लीव्स आते हैं। टाई प्लास्टिक बैग्स लूजली अराउंड द लीव्स ऑफ द प्लांट एंड कीप देम इन सनलाइट फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग। और उनके जो लीव्स होंगे उनके ऊपर आपको प्लास्टिक बैग का क्या करना है, टाइटली बांध देना है और मॉर्निंग में उनको सनलाइट में रख देना है। इन द आफ्टरनून ब्रिंग दोज पॉट्स इन द क्लासरूम एंड ऑब्जर्व देम। और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है, फिर ऑब्जर्वेशन आपको क्या दिखेगा कि जो इवेपरेशन होता है, इवेपरेशन जो होता है यहाँ पे प्लांट्स कैक्टस एंड लीफी प्लांट्स में अलग अलग होता है। तो वहाँ पे जो वाटर कलेक्ट होता है बैग में उसकी क्वांटिटी हमें अलग अलग दिखाई देगी। हैज़ द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द बोथ बैग्स। तो दोनों बैग्स में हमें वाटर सेम दिखाई देगा क्या क्वांटिटी, बिल्कुल भी नहीं। तो उसका रीज़न क्या है वो हम आगे देखेंगे। डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर लीफलेस और देयर लीव्स आर लाइक अ स्मॉल नीडल्स और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। तो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनके मोस्टली लीव्स होते ही नहीं है, तो उनके लीव्स जो है मॉडिफाई होते हैं नीडल्स जो कांटे के जैसे हमें दिखाई देगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैक्टस आप देखोगे तो इसके ऊपर आपको इस तरीके से कांटे जो दिख रहे हैं, थॉर्न जिसे हम कहेंगे, स्पाइन जिसे कहेंगे, तो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाते हैं उनके लीव्स थॉर्न्स में। एज अ रिजल्ट दे लूज वेरी लिटल वाटर बाय इवेपरेशन। तो जब इवेपरेशन होगा, ऑलरेडी डेजर्ट में पानी कम होता है
और इवेपरेशन के कारण अगर पानी इनमें से चला जाएगा तो वो फिर बच ही नहीं पाएंगे। तो उनके लिए जो है उनके लीव्स जो है मॉडिफाई हुए हैं थॉर्न में, मीन्स कांटों में, जिसके कारण इवेपरेशन यहाँ पे कम होता है, पानी जो है उनमें से बाहर नहीं जा पाता है। तो वही डिफरेंस हमें जो दो पॉट हमने लिए थे वहाँ पे दिखाई देगा कि जो कैक्टस है वहाँ पे ऊपर इवेपरेशन हमें कम होता हुआ दिखाई देगा। द स्टेम स्टोर्स वाटर एंड फूड एंड इज देयर फॉर फ्लेशी। तो स्टेम ही क्या करता है, वाटर स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है, और स्टेम में ही जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसके कारण प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कहाँ पे होगा, स्टेम में ही, क्योंकि उनके लीव्स नहीं होते हैं। देयर रूट्स पेनेट्रेट डीप इन टू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। तो इनके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी डीप जाते हैं ज़मीन के अंदर, क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत होती है। तो जहाँ तक उन्हें पानी मिले वातों को क्या करते हैं, डीप पेनेट्रेट उनका होता है। देर इज अ थिक लेयर ऑफ ए वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स टू। तो डेजर्ट वाले जो प्लांट्स होते हैं तो उनके ऊपर भी हमें वैक्सी सब्सटेंस दिखाई देगा, जिनके कारण क्या होगा, उनका इवेपरेशन से पानी जो है कम से कम इवेपरेट हो सकता है। तो इसके लिए ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ हमें इनमें दिखाई देती है। नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन। तो स्नोवी रीजन के बारे में हम देखेंगे, इन व्हाट वे आर स्लोपिंग ब्रांचेस यूजफुल टू प्लांट्स इन अ स्नोवी रीजन। तो जैसे हमने पहले देखा था कि कोनिकल शेप वाले ट्रीज होते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये कोनिकल शेप इन्हें हेल्प किस तरीके से करता है। प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन मेनली इंक्लूड कोनिफर्स लाइक देवदार एंड पाइन। की कोन शेप जैसे देवदार एंड पाइन वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। दिस ट्रीज आर कोनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस। उनके ब्रांचेज जो होती है स्लोपिंग होती है कुछ इस तरीके से, जिसके कारण हमें उनका शेप जो है कोनिकल दिखाई देता है। और ये हेल्प किस तरीके से करता है, इन द हैवी रेनफॉल एंड एक्सट्रीम कोल्ड इन दिस रीजन्स देयर कोनिकल शेप प्रिवेंट्स द स्नो फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग ऑन द ट्री एंड द थिक बार्क हेल्प्स द ट्री टू विदस्टैंड द कोल्ड। तो इसके कारण क्या होगा कि कोनिकल शेप होने के कारण जो है स्नो इस पर जमा नहीं हो पाती, जो इजीली यहाँ से नीचे निकल जाएगी, जिससे प्लांट्स भी ख़राब नहीं होंगे, ट्रीज भी ख़राब नहीं होंगे, और उनकी बाग जो होती है वो थिक होती है, जिसके कारण कोल्ड में ठंडी में भी ट्रीज खड़े हो पाएंगे, वहाँ पर टिक पाएंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी स्नोवी रीजन की। नेक्स्ट हम देखेंगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। कि फॉरेस्ट रीजन में तो हमें कई सारे टाइप के ट्रीज दिखते हैं, तो वहाँ पर कौन से कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाई देंगे। अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। दीज प्लांट्स कॉम्पीट अमंग्स देमसेल्व्स फॉर सनलाइट। कॉम्पीट करना में से यहाँ पे कॉम्पिटिशन किस तरीके से करेंगे, जो टॉल ट्रीज है उनको सनलाइट ईजिली मिल जाएगी, लेकिन जो छोटे छोटे ट्रीज है उनको सनलाइट कैसे मिलेगी। तो जैसे कि क्लाइंबर्स होते हैं वो तो ज़मीन के ऊपर अगर बढ़ते हैं, क्रीपर्स हो क्लाइंबर्स हो, तो उनको तो सनलाइट मिलेगी नहीं, फिर इनमें कंपटीशन चलता है कैसे। वो क्या करते हैं कि जो बड़े ट्रीज हैं उनका यहाँ पे सपोर्ट लेके वो क्या करते हैं, ग्रो होते हैं उनके ऊपर ऊपर की तरफ, क्योंकि उन्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे सपोर्ट भी मिलेगा एंड सनलाइट भी मिलेगा। तो इस तरीके से कॉम्पिटिशन यहाँ पर चलता है सारे ट्रीज में। हेंस ट्रीज ग्रो टॉल टू गेट सनलाइट एंड क्लाइंबर्स एंड वाइन्स ग्रो टू अ ग्रेट हाइट विद द सपोर्ट ऑफ ट्रीज। स्प्रिंग लाइक टेंड्रेल्स ऑन द स्टेम्स ऑफ सम क्लाइंबर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन। तो ये भी एक तरीके का एडेप्टेशन होता है कि सपोर्ट के लिए सनलाइट के लिए क्लाइंबर जो है बाकी ट्रीज के स्टेम्स के ऊपर क्या करते हैं, स्प्रिंग लाइक गोल गोल घूम के इस तरीके से क्या करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं एंड ग्रो होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर सनलाइट भी मिलेगा एंड सपोर्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट है एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। डाइवर्स टाइप ऑफ बुशेज एंड ग्रासेस आर फाउंड इन दी ग्रासलैंड। जो ग्रासलैंड होते हैं वहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के बुशेज एंड ग्रासेस दिखाई देंगे। फाइबर्स रूट्स होते हैं जिनके ग्रासेस के प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो जो ग्रासेस होते हैं उनके रूट्स फाइबरस होने के कारण जो है सॉइल को या मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होता है। ग्रासेस इन द इक्वेटोरियल रीजन वेरी टॉल। अगर हम इक्वेटोरियल रीजन के ग्रासेस देखेंगे तो काफ़ी टॉल होते हैं। एनिमल्स लाइक अ टाइगर एलिफेंट्स एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस। तो ये टॉल ग्रासेस होने के कारण जो है जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो ईजिली उसमें क्या हो सकते हैं, छुप सकते हैं। हाउएवर ग्रासेस इन अ कोल्ड रीजन आर वेरी शॉर्ट। अगर हम स्नोवी रीजन की बात करेंगे, कोल्ड रीजन की बात करेंगे, तो वहाँ पे ग्रास काफ़ी छोटी होती है, तो उनमें एनिमल्स भी उसी तरीके के दिखाई देते हैं, जैसे कि रैबिट है आर फाउंड इन सच ग्रासेस। तो छोटे छोटे एनिमल्स उन ग्रासेस में हमें दिखाई देंगे क्योंकि ग्रास भी छोटी है। वास्ट मीडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लेस। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें दिया है कि ग्रासलैंड में क्या होते हैं, ग्रासेस होते हैं, उनके फाइबर और रूट्स होते हैं जिनके कारण सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो जैसे कि हमने कई सारे रीजन्स देख लिए
डेजर्ट रीजन, स्नोवी रीजन, फॉरेस्ट रीजन, तो हर जगह पे हमें प्लांट्स जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक जो है अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये सारे चेंजेस किसके कारण होते हैं, तो एडेप्टेशन के कारण होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए लेसन काफ़ी लेंदी है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए हम पार्ट टू बनाएंगे, लेक्चर टू बनाएंगे, तो उस लेक्चर को भी ज़रूर देखिए, तभी सारे लेसन के जो टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।